बड़े गुलाम अली खां। पटियाला घराने के उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को कौन ऐसा संगीत प्रेमी होगा जो ना जानता होगा। आप जितना शास्त्रीय संगीत जगत में प्रसिद्ध थे, कम से कम उतना ही फिल्म जगत में भी प्रसिद्ध थे। आपकी गाई ठुमरियां, आए न बालम काकुरु सजनी तथा याद पिया की आए इतनी प्रसिद्ध हुई कि हर व्यक्ति के कानों में गूंजती है। आपका जन्म सन 1901 में लाहौर में हुआ। आपके पिता का नाम उस्ताद काली खां था, जिनकी वंश परंपरा संगीतज्ञों की थी। बालकाल से ही घर में संगीत का वातावरण था। गुलाम अली ने पहले अपने चाचा से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई, अतः वे अपने पिता से संगीत शिक्षा लेने लगे। कुछ दिनों तक आप सारंगी भी बजाते रहे। आपके तीन छोटे भाई थे, बरकत अली, मुबारक अली तथा अमीन अली खां। कुछ समय के बाद आप बंबई चले गए और उस्ताद सिंधी खां से गायन सीखने लगे। कुछ समय तक वहां रहने के बाद पिता के साथ लाहौर लौट गए। आपकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगी। आपका पहला कार्यक्रम कलकत्ता संगीत सम्मेलन में हुआ। उस कार्यक्रम से ही आपकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। सन 1947 में विभाजन के बाद आप हिंदुस्तान छोड़कर कराची पाकिस्तान में रहने लगे। बीच बीच में संगीत सम्मेलनों में भाग लेने के लिए हिंदुस्तान आया करते थे। उनका मन वहां न लगा। उन्होंने भारत लौटने की इच्छा प्रकट की और भारत सरकार ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद से वे बंबई में रहने लगे। सन 1960 के आसपास वे लकवे से पीड़ित हो गए और खाट पकड़ लिया। उस समय आर्थिक दृष्टि से काफी परेशानी सामने आ गई। कारण, उन्होंने कभी भी पैसा इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की। जितना भी मिला उसे कुछ ही दिनों में सफा कर दिया। इसलिए अक्टूबर 1961 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें 5,000 आर्थिक सहायता औषधि के लिए दी। कुछ समय के बाद वे अच्छे हो गए और अपना कार्यक्रम देने लगे। आपने कई बार अखिल भारतीय आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत अपना कार्यक्रम प्रसारित किया। इलाहाबाद, वाराणसी, कलकत्ता, दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर आदि जहां भी कोई भी अच्छा संगीत सम्मेलन होता, आपको अवश्य ही निमंत्रित किया जाता। खां साहब स्वभाव के बड़े सरल और मिलनसार थे, किंतु मूडी थे। जब जहां मन आता गाने लगते। गाना उनका व्यसन था, बिना गाना गाए रह नहीं सकते थे। गाते गाते गायन में प्रयोग भी करते थे। एक बार बात करते करते कोमल ऋषभ की यमन गाने लगे, लेकिन स्वरूप में कहीं अंतर नहीं दिखाई पड़ा। यद्यपि कि ऋषभ कोमल था, स्वरों पर उन्हें इतना नियंत्रण था कि कठिन से कठिन स्वर समूह बड़े सरल ढंग से कह देते। गले की लोच तो अद्वितीय थी, जहां से चाहते जैसा भी चाहते गला शीघ्र घुमा लेते। पंजाब अंग की ठुमरी में तो आप बड़े सिद्धस्थ थे। पेचीदी हरकतें, दानेदार ताने, कठिन सरगमों से मानो वे खेल रहे हों। उनकी हरकतों पर सुनने वाले दांतों तले उंगली दबा लेते थे, किंतु उनके लिए जैसे कोई साधारण सी बात थी। आवाज आपकी जितनी लचीली थी, आप उतने ही विशाल काय थे। बड़ी बड़ी मूछें, कुर्ता, छोटी मोहरी का पैजामा और रामपुरी काली टोपी से पहलवान से मालूम पड़ते थे, लेकिन गायन और बोलचाल में ठीक इसके विपरीत थे। संगीत के घरानों के विषय में आपका कहना था कि घरानों ने संगीत का सत्यानाश कर दिया है। घरानों की आड़ में लोग मनमानी करने लगे हैं, फलस्वरूप बहुत मतमतांतर हो गए हैं। ऐसे ही लोग घरानों को बदनाम करते हैं। मुद्रा दोष के संदर्भ में बड़े गुलाम अली खां का विचार था कि गाते समय बिना मुंह बिगाड़े तथा बिना किसी किस्म का जोर डाले स्वरों में जान पैदा करनी चाहिए। संगीत का महान सेवक सदा सदा के लिए 23 अप्रैल 1968 को हम लोगों से अलग हो गया। उनके पुत्र मुनव्वर अली भी कुछ दिनों के बाद ईश्वर को प्यारे हो गए।